सीकर में नाबालिग से सामूहिक गैंगरेप की घटना को लेकर सीकर पुलिस अजमेर के गंज थाना क्षेत्र पहुंची, जहां आरोपी मुकेश से घटना की तस्दीक कराई गई। सीकर के पुलिस उपाधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा ने बताया कि मार्च महीने में नाबालिग से गैंगरेप की घटना सामने आई थी, जिसे लेकर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए बासूर निवासी मुकेश को गिरफ्तार किया था। आरोपी से अन्य लोगों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर जानकारी मिली कि वह पीड़िता को लेकर अजमेर के गंज थाना क्षेत्र स्थित होटल भी पहुंचा था। इस मामले में मौका तस्दीक कराई गई और इस मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। साथ ही मामले में लिप्त अन्य लोगों को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। नाबालिग के साथ में दुष्कर्म का प्रकरण सीकर जिले में दर्ज हुआ था, जिसके अनुसंधान में जो है अनुसंधान करने के लिए इस होटल में पूर्व में यहाँ ठहरना बताया गया था। उस अनुसंधान के सिलसिले में ही मैं अनुसंधान प्रक्रिया पूरी करने के लिए आया हुआ हूँ। आरोपी हमारे साथ है, क्या नाम है? मुकेश, वो बानसूर जिले का रहने वाला, अलवर जिले का। प्रकरण गैंग रेप का है, अनुसंधान किया जा रहा है जी। और कोई साथ था यहाँ अभी तक के अनुसंधान से जो है वो अकेला ही है यहाँ पे। अकेला ही था। अनुसंधान में बहुत सारा पार्ट है जी, वो हम कर रहे हैं। मार्च माह की है। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV News, सच्चाई की वापसी।